इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी है कि यह दो सिफत को मुतसिफ करके मसाइल बयान करे सा अल्लाह दी कुल्ली रहमत नबिया दा सुल्तान जहरा दा बाबा इमाम हुसैन दी तारीफ दे विच आद बैठन के मेरा हुसैन चराग हिदायत है और सफीना निजात है। सवाल ये पैदा थी गए कि हुसैन दी तारीफ अगर कोई आम इंसान करे तो शायद मुमकिन है तारीफ कामिल ना होवे, तारीफ नाकिस होवे, और अगर इमाम हुसैन दी तारीफ एक ऐसी शख्सियत करे जिंदे बारे खुद खुदा फरमावे वमा यंतिको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, पैगंबर इस्लाम इमाम हुसैन अलैहि वसल्लम दे बारे फरमेंदे बैठन कि अगर कोई इल्म कामिल है तो वो भी हुसैन इब्न अली है, अगर कोई साहिब शुजात है तो वो भी हुसैन इब्न अली है, कोई अगर इल्म आली रखता है तो वो भी हुसैन इब्न अली है, और जैदा जाकिर मोहम्मद मुस्तफा होवे, और जो को फजीलता खुद खालिक अता करे पता नहीं उनका क्या मर्तबा होसी। अल्लाह दा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र बैठे करें दन एवे 1400 साल तो बाद च नहीं, इमाम हुसैन दी विलादत तो बाद नहीं शुरू होया, बल्कि बिहार उल अनवार दी रिवायत इस चीज दे उते दलालत करन दी है, हुसैन ओ है कि जेदा जिक्र तमाम अंबिया कीता है और तमाम अंबिया दे औसिया कीता है और उनका जिक्र खुद खुदा कीता है। इमाम हुसैन त्रै सिफतां दे नाल मुत्तसिफ है। पहली सिफत के इमाम हुसैन अमीर उल मोमिनीन है, वक्त बादशाह है, केजा बादशाह इमाम हुसैन उना दुनिया दे बादशाहां जिया बादशाह नहीं जेको आम लोग मुंतखब करन, बल्कि इमाम हुसैन दी बादशाहत और तारीफ वास्ते इतना काफी है जो अल्लाह ने इमाम को मुंतखब कीता, अल्लाह ने वारिस कायनात बनाया, वारिस अंबिया बनाया, वारिस इल्म बनाया, वारिस किताब बनाया, और इमाम हुसैन दी अगर ई जुमले दे विच तारीफ कीती वंजे तो कम कोई नहीं, जेंदा नाना सैयदुल अंबिया है, जिसका बाबा सैयदुल औसिया है, जेंदी मां सैयदतुन निसाइल आलमीन है, और जैदा दादा सैयद अल अरब है। इमाम हुसैन बादशाह है, कैसे बादशाह, ऐसे बादशाह है कि अगर कोई मोहताज इमाम दी दरबार च आवे एक दफा दे छोड़न तो पूरी जिंदगी वत ओ मोहताज नहीं रहना। मस्जिद नबवी सुने सुनाए अल्फाज है, बस तज़क्कुर इंसान बयान करे दे अली अकबर टुरदे हुए आन बाबा आज दिल चाहंदे कि मैं सेब खावा, मस्जिद नबवी दे विच इमाम बैठन कुछ देर भी इंतजार नहीं कीता, बेटे दे चेहरे तो डिठे बात एक सकून वाले पासे इमाम ने इशारा कीता है, जीवे ही इशारा कीतन पता नहीं समझ नहीं आंदी कि इमाम दा हाथ जन्नत तक पहुंचे या जन्नत चल के इमाम तक आई है, जन्नत दा सेब तोड़े और अली अकबर को जन्नत दा सेब अता कीते मौसम ना है, और जेड़ा जन्नत दे विच मस्जिद च बैठ के जन्नत तो सेब उठावे ओ को बादशाह हुसैन इब्न अली याद है। नज़मत हुसैन सलावत अपने घर च दाखिल नहीं हुए, सब तो पहले मेरे दीदार वास्ते मेरी मां बतूल दे घर च आए, और मोहम्मद मुस्तफा ने 4 या 4.5 साल दी उम्र है इमाम हुसैन दी को हत्था के उठाए
कई वेले बोसा लेंदन, कई वेले सर चुमदन, कई वेले उंद नाल किस किस अंदाज दे विच खेलना शुरू कीता है। बतूल दी निगाह पई है कि मेरा पापा सफरां तो थका होया है, हुसैन उंदे विच उसदी आराम दे विच मुखल पिया थींदा है। या जनाब जहरा ने चाहा कि मैं मन के हुसैन को रोवा, चंद कदम चाहतन ते बीबी आगा पई है, जब मोहम्मद मुस्तफा ने बतूल दे चेहरे दी तरफ बिठे फरमाया, जहरा नहीं ला मुखल ना हो, बतूल तू मेरे ते हुसैन दे दरमियान फायल ना हो, जीवे चावे हुसैन के लिए। क्यों? फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। हुसैन कुल इख्तियार रखता है, चाहे मोहम्मद सजदे दे अंदर होवे, हुसैन पुश्त सवार थीवे, हुक्म नहीं के सर सजदे तो चावे। हुसैन मोहम्मद मुस्तफा थके हुए सफरा को वापस आमन या हुसैन आराम न करण देवे, क्योंकि हुसैन और मोहम्मद के दरमियान फर्क नहीं। और दूजी सिफत के हुसैन करीम कितना है, जबकि इन चीजा बयान करने का टाइम कह नहीं, मैं मसाइल पढ़ना है, बस इतना आदा कि करीम इतना है एक सफर करने पे मदीना तू मक्का, या रावी रिवायत करें दे ए आदे मैं इमाम दे नाल हम एक जगह दे विच इमाम ने सुकून महसूस कीता, एक नकल है खजूर है जड़ी कई साल तो मैं जानता हम वो खुश हो चुकी है, और इमाम अलैहिस्सलाम ने वो खजूर दे तले सुकून महसूस कीता, सवन दा इरादा कीता, तब भूख ते प्यास लगी, ए आदे कि मैं डिठे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ने जमाल आए, आदे के अगर तुम्हारे के कुछ खावण पीवण को है तो मैं को अता करो, मैं भूखा डाडा हूं। करीम दा करम है कुछ मौजूद ना हा, रावी आदे इमाम ने दुआ दे हाथ बुलंद कीते, कोई ऐसे ऐसे अल्फाज दे विच दुआ मंगी है, मैं कोशिश कीते इमाम दा कलाम समझा, मेरे को समझ कोई नहीं आया। इमाम दुआ मंगदे हैं, एक खजूर दा दरख्त सर सब्ज और शादाब थीदा है, इमाम ने दुआ खत्म की थी, जब दुआ खत्म की थी मेरी फिर खजूर दे उते फल लगे, और इमाम ने उस खजूर को इशारा कीता है, खजूर ने सजदा कीता है, इमाम ने उतो फल खजूरा अखज की थी, खजूरा अखज करके जमाल को ही दीती है, मैं को ही दीती है, ए फरमाए के ओ हेक हेक खजूर को अस अपने मुंह च रखे महसूस में दीदा नसा को पहले भूख मौजूद है ते ना होण सब के है। ओ इमाम अगर दख्ता को इशारा करे तो इमाम दे सजद इमाम दे कदमा दे होते सजदा करन, और अगर चरंद परिंद की तरफ कलाम करना चाहवे तो इमाम दी कलाम को समझन। ओ हुसैन इब्ने अली इवे मोहम्मद मुस्तफा ने नहीं फरमाया कि इनल हुसैन मिसबाह रोदा व सफीनतुन निजा हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, के किरदार और गुफ्तार दे विच शक्ल सूरत दे विच इमाम हुसैन मोहम्मद बनदर। त्रीजी सिफत जल्दी जल्दी बोलना चाहना कर पदा, इमाम हुसैन दी त्रीजी सिफत है मजलूम गरीब। ये हुणे खुतबे दे लफ्ज पढ़े, खुतबे दे विच लफ्ज भी ये इस्तेमाल थींदन, अस्सलामु अलल हुसैन अल मजलूम अल गरीब अल मक्तूल अल मजबूह मिन अल कफा। मजलूम अगर बादशाह तो दुनिया का बादशाह, अल्लाह का मुंतखब कीता बादशाह, और अगर करीम हा तो कायनात को अमीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अता करे दे रहे, और मजलूमियत इतनी है गरीब इतना हा करबला दे मैदान दे विच आसमान दी तरफ दे दहा ते यो कुछ बता दा, इयका नअबुदु व इयका नस्ताईन। अगर कहीं हुसैन को गुरु गरीब कीता है तो ज़ैनब दी चादर मुख्तसर करा, अली अकबर दा मसाइल पढ़ने के यौम आशूर जद सारे जवान मारे गए, असहाब अंसार मारे गए, टुटता होया जवान बाबे दे करीब आ खड़े, इमाम हुसैन ने अली अकबर दी शक्ल सूरत को देख के अंदाजा कीता अकबर कुछ मंगना चाहता है। अकबर ने
बाबे दी तरफ रिठे, बाबा तुहाडे दुश्मन ढेर मैं मैदान मजना चाहना। ताखीर नहीं, इमाम फरमाए अकबर टुर वन फुफिया ते मामा दा सलाम करा। मैं ते गुरु कहदा नहीं, मेरे को अल्लाह दा दीन बहुत ज्यादा प्यारा है। जवान टुरदा होया खैमा चाहे, सारिया बीबिया ने अली अकबर को अनोखे रंग च दिठा है। जदा पता लगे ना अली अकबर मौत दी इजाजत मंगना है, बनी हाशिम दी औरतां ने हाला बनाना शुरू कीता है। और अकबर के चेहरे की तरफ देख के आदम इरहम अला गुरबत ना लैसा लना तागा बेफिराके का। अकबर सारी गुरबत ते रहम करे, तेरे फिराक को बर्दाश्त ना कर सकदियां। रिवायत आती है ला यो बाबेहा, अकबर ने उन्होंने रोकण की कोई परवाह नहीं की थी। इश्क शहादत इतना हा, इमाम हुसैन खैमे दे विच आन, अली अकबर को तैयार करना शुरू किया है। मकतल आला लिखता है कि अली अकबर की कमीज को सजे पासो चाक कीतस, खबे पासो अपनी तलवार के नाल चाक कीतस, अली अकबर के लिबास को कफन च तब्दील कीतस। وعمامه امامه رسول الله الله النبي دا امامه بدنا شروع کیتس۔ جدا دستار شروع کیتی اسنا ایت دی تلاوت کھڑے کرن جان، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين۔ آخری لڑا اکبر دی جدا تاتل ان کے چولے سترو کہ ایو کچھ کھڑے دیاں، قالوا انا لله وانا الیہ راجعون۔ पग तैयार की, तलवार रसूल खुदा लीतीस, तोहफती होया लाह लाहे नामी घोड़ा अदा कीतस। और हुसैन फरमाए अकबर हूँ जीन ते सवार थी, आज को अकबर समझ के नहीं, आज मोहम्मद समझ के घोड़े ते चढ़ावा। जदा तैयार अली अकबर घोड़े ते सवार हन, इमाम हुसैन हसरत दिया निगाहों पुत्र दे चेहरे दे दे और ऐसिया निगाह देते हैं या कहीं मस्तूर शायद सवाल कीता होवे। इतना ही शहर में एक तखय्युल बयान कीता है, शहर आता है करबल में याद आ गई अकबर को देखकर, उठती हुई जवानी रिसालत बाब की, मोहम्मद समझ के रेता खड़े हुसैन, पुपियां तेवामा दा सलाम करके जवान उस जगह थे जिथा हुसैन गरीब करबला बैठे। आदे बाबा मैं मैदान बहना, हुसैन ने अली अकबर को डिठे ते बद दुआ कीती है, फरमेंदन मालक अपना साथ कता अल्लाह रहमे कमा कता तरहमी, वलम तोफज कराबती मिन जदी रसूलिल्लाह, वसल्लता अलैका मन यज़बहुका अला फिराशिक। इमाम हुसैन रो के बैठे आदन, ओए अपना साथ अल्लाह तेरी नस्ल तबाह करे, ताए मेरिया नस्लां मुकाइयां, ए अकबर मैदान च आवण दे काबिल तक होए ना। बद दूजी दफा अली अकबर आखे, बाबा मैं मौत दी इजाजत मंगण आया, मैं मैदान वेना। बद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दे हाथ बुलंद कीते, आसमान दी तरफ डिठे और इयो कुछ फरमाने बैठे आ, अल्लाहुम्मा अशहदु अला हाउलाए फकद बरदा इलैहिम अशबह الناس برسول کا خلقا وخلقا ومنطقا وكنا اذا اشتقنا برؤيه رسول کا انظر الیہ۔ مدہ اللہ گواہ میں ہی قوم دے پاسے جے جوان گپیا بھیجے نا، جڑا شکل صورت وچ محمد ہے، کردار و گفتار وچ محمد ہے، جڑا ٹرے تا محمد نظر آندے، جندا قد قامت محمد مصطفی علیہ۔ और अली अकबर तीजी दफा के, बाबा मैं मैदान बेना। इमाम हुसैन ने आखे, अकबर एक दफा रुकवन, हालत केड़ी है, कई वेले अकबर को बोसा देंदे आएन, वत कई वेले सीना चुमदे आएन, कई वेले पेशानी चुमदे आएन। हुण जवान आखे, बाबा मैं मैदान बेना। हुसैन आखे, अकबर टुरवन अल्लाह दे हवाले। जवान घोड़े ते सवार हैं, जदा टुरन लगन कुछ फासले ते गन, हुसैन दी आवाज आंदी, अकबर रंज न होवे, एक दफा वापस वाला बाबा सरे नहीं,
अकबर दी आवाज आंदी है, बाबा अगर मैदान नहीं वंजना तो मैं नहीं वेंदा। बार बार सदेंदे ओ फौज इश्किया दे विच नारे बुलंद पयो देन, मेरी मां लैला मैं कुड़े दी पई है, पता नहीं अकबर क्यों ताखीर पिया करेंदा। हुसैन दी आवाज आंदी है, अकबर तू एजा जवान है, जदा तू टुरदा है मेरे जिस्मी चो रूह निकलना शुरू हो वेंदी है। अकबर तू मैदान आले पासे वेंदा है, मेरे आखी दा नूर खत्म होण लग वेंदा है। हुण हुसैन वादा करेंदे तू मैदान वंज तक वापस कोई ना सरेसा। अकबर मुतमैन होए घोड़े ते सवार होए, हुण जो राम दित्ता ने घोड़े को मैदान आले पासे टोरने, हालत केड़ी है कोई फासले ते अकबर दा घोड़ा गी है। अकबर आदा है मैं निठा है, मेरे सामने काले बुरके वाली मस्तूर गई है, मैं कुआ दी है जवानी दे दा जवानी दे मान च घोड़ा पिया दौड़ना है। पीछे देख तेरे घोड़े दे पीछे पीछे मेरा हुसैन आदा भजदा है। जदा ये गल की दिए से अकबर आदा है मैं घोड़ा नहीं रोके, हुसैन दी हालत केड़ी है मेरे घोड़े दे पीछे भजदा। ते आदा अकबर एक दफा रुक वने आ, अकबर मैं घुमो चुना में आ, अकबर मैं ते कुआ जा रज के पाला ही कोई ना, अकबर मैं कुतनहा पहुंचे। इमाम रिवायत करें नंजदा पहुंचा मैं क्या दिखता है, अकबर को फौजा मेरी
आखिरी मंजिल से तुम्हारी जहमत को तमाम करो। पुत्र के करीब आए रिवायत आदि है वादा आफत होए आफत तेरी अपना चेहरा कुमार के चेहरे से रखी बैठे नहीं हो कर बैठे रात ना लत दुनिया आफत कलाफा अकबर तेरे बाद मेरी दुनिया खत्म हो गई। अकबर इन हो मैं मेरे नाल बुले नारा है मैं तेरा बाबा तेरी हिफाजत वास्ते आ गया। अकबर की हालत के लिए हुसैन फरमाए अकबर में तेरी लाश को खयाम के नहीं है। अकबर को जरा इमाम फरमाए मैं तेरी लाश को खयाम के नहीं है। अकबर ने सीने ते हाथ रखे इमाम फरमाए अकबर में अपनी बाबा मेरे गले छपा मैं तेरी लाश चावा। अकबर सीने तो हाथ नहीं चेंद इमाम दूजी दफा के अकबर अपनी बाबा मेरे गले छपा अकबर हाथ नहीं चेंद। इमाम ने सजा पूछी अकबर सबब क्या है। अली अकबर आजन बाबा थोड़ी देर पहले एक जालिम ने नेड़ा मारे जड़ा मेरे सीने दे विच बम छोड़े मैं हाथ चाहना मेरे बदन च मेरा रो निकलना शुरू हो जाता है। अकबर बाबा जी में मिन्नत लगती है इलाज में चाह सकते चाह रंग ना हो मेरा सीने तो हाथ नहीं चलता मैं सीने तो हाथ चाहना मेरा रो मेरे बदन च परवाज करना शुरू हो जाता है। हुसैन ने दिखे अली अकबर ने नेड़ा लगा होया साबरना सुल्तान फरवेनन अकबर तू फखरे इस्माइल है मैं फखरे इब्राहिम हूं मैं चाहना मैं तेरी मकबले तेरे सीने चो नेड़ा कटा। अकबर ने इजाजत दी है इमाम हुसैन बच्ची दे विच हाथ पाता है बिस्मिल्लाह शुरू की थी थोड़ी देर तक थाई वक्फा कीता। अकबर आदे बाबा सबर खत्म हो गया है नेड़ा कटदा क्यों नहीं या हुसैन सजे भी दिखे तो हाथ खबरे भी दिखे रो रो कई खुद बैठे आते हैं। अकबर मैं ना दे इब्राहिम को रखना चाहना मीना दे इस्माइल दे छुरी चलावा एहसान है तेरे अखा दे उत्ते पट्टी आई इस्माइल दे हाथ ते पैर बटे हुए हैं आकर बना दे इस्माइल दे ना हाथ बटे ना पैर बटे आते को दिखावा जब पत्र अल्लाह की आयत कुरान की है करीम है।